नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर लद्दाख में शहीद हुए राम अनुज यादव का पार्थिव शरीर पहुंचा है। वहीं एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ साथ राज्य की पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ, सांसद रामकृपाल यादव के साथ कई अन्य गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव के लिए पालीगंज भेज दिया गया है, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनकी विदाई होगी। राम अनुज यादव जी आज शहीद हो गए। निश्चित तौर पर न सिर्फ रामानुज जी के परिवार को लॉस है, बल्कि देश को लॉस है। और ये लॉस की पूर्ति शायद ही की जा सकती है। मैं सबसे पहले रामानुज जी के जो शहीद हो गए, लोगों के बीच में नहीं है, उनके प्रति श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और उनके परिवार को ढाढ़स मिले ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये किसी परिवार के नहीं थे, देश के लिए जी रहे थे। और निश्चित तौर पर एक जवान जो सिर्फ भारत माता की सेवा कर रहा था, अपने परिवार का भी सेवा कर रहा था, गरीब परिवार से थे और बहुत संघर्ष और बहुत मुश्किलों से दौर से गुजर करके उनके परिवार के लोगों ने भरण पोषण किया और देश की सेवा में अपनी जान के न्यौछावर कर दिया। मेरे पास वो शब्द नहीं है जिसके माध्यम से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूं और उनके परिवार को ढाढ़स दूँ। और ईश्वर से प्रार्थना है इस गम को बर्दाश्त करने की क्षमता, कैपेसिटी रामानुज जी के परिवार को, माँ बाप को हो, ये प्रार्थना करते हैं।